हेलो दोस्तों, एमकेएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का एक नया अपडेट लेकर के आ गया हूं। और दोस्तों, अपडेट आज का यानी कि 30/7/2024 का, दोस्तों आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का यहां पर आरबीएससी ने एक नया अपडेट जारी किया है। तो दोस्तों, क्या अपडेट जारी किया है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ऑफिशियल नोटिस आपके सामने आ चुका है यहाँ पर। और दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि जो सहायक आचार्य यानी कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर है संस्कृत शिक्षा विभाग का, उसकी जो प्रतियोगी परीक्षा है वो 8/9/2024 से 15/9/2024 तक होगी, यानी कि इस डेट को इसका एग्ज़ाम होगा। लेकिन उससे पहले आरपीएससी ने इसका एक नया अपडेट जारी किया है, जिसमें दोस्तों यहां पर जो अभ्यर्थी है वो 1/8/2024 से लेकर के 10/8/2024 तक अपने खुद का नाम और पिता का नाम, फ़ोटो और उसके जन्मतिथि और लिंग, इनको छोड़ करके बाकी का ऑनलाइन आवेदन में जो है संशोधन कर सकता है। और उनको जो है ऑनलाइन ये संशोधन करना होगा ई मित्र से या ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से। 500 रुपये यहाँ पर इसकी जो है फ़ीस रखी गई है। और दोस्तों, ये होगा कैसे उसकी भी यहाँ पर जो है डिटेल बताई गई है कि आपको आरपीएससी की ऑफिशियल जो साइट है उस पर जो अप्लाई ऑनलाइन लिंक है उसमें जाना है और एसएसओ पोर्टल से भी लॉगिन करके सिटीजन ऐप से आप इसमें जो है संशोधन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आरपीएससी ने सबसे बड़ा अपडेट यहाँ पर जो दिया है वो आपके सामने यहाँ पर है। दोस्तों, इसमें दोस्तों बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट है उन्होंने विज्ञापन के अनुसार अगर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त नहीं कर रखी है या अनुभव प्राप्त नहीं कर रखा है, तो वो जिन्होंने यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर दिया है उनके खिलाफ़ यहाँ पर जो है धारा 217 के तहत यहाँ पर जो है कार्रवाई की जाएगी। और दोस्तों, उनको यानी कि उन बच्चों को यहाँ पर डीबार भी कर दिया जाएगा आगे आने वाली जो एग्ज़ाम है आरपीएससी के, उन सभी के लिए। लेकिन उनको एक यहाँ पर मौका दिया गया है कि अगर वो 1/8/2024 से 10/8/2024 के मध्य अपना जो फॉरम है वो वापस यहाँ से विड्रॉ कर लेते हैं तो उनको यहाँ पर छूट दी जाती है। और अगर वो विड्रॉ नहीं करते हैं, उनके पास शैक्षणिक योग्यता नहीं है, तो दोस्तों उनको यहाँ से डी बार भी कर दिया जाएगा इस एग्ज़ाम से भी और आगे आने वाले आरपीएससी के सभी एग्ज़ाम से भी। और साथ ही उनके साथ में जो है जो कार्रवाई है सरकारी जो कार्रवाई है पुलिस कार्रवाई वो यहाँ पर की जाएगी। तो दोस्तों, जो भी कैंडिडेट है उन्होंने बिना योग्यता के यहाँ पर अगर असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉरम अप्लाई किया है तो वो अपना जो फॉरम है वो 1/8/2024 से 10/8/2024 तक विड्रॉ कर सकता है। इसके लिए आपको एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन करना है और रिक्वायरमेंट पोर्टल पर जो माय रिक्वायरमेंट सेक्शन है उसमें जाकर के अपना जो विड्रॉ बटन है उससे अपना फॉरम यहाँ पर विड्रॉ कर लेना है। तो दोस्तों, आपको इसमें हल्के में नहीं रहना है, आपको जल्दी से विड्रॉ कर लेना है जिनके पास में योग्यता नहीं है, केवल वही कैंडिडेट, सभी को नहीं करना है। और दोस्तों, साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑनलाइन यहाँ पर संशोधन करेगा अपने फॉरम में, अगर उसे कोई दिक्कत आती है तो वो आरपीएससी से यहाँ पर ईमेल से और फ़ोन के माध्यम से संपर्क कर सकता है। और साथ ही दोस्तों, जो आरपीएससी है उसकी जो पल पल की अपडेट है उसके लिए आप जो एमकेएन एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, चाहे वो संस्कृत शिक्षा विभाग का हो चाहे वो सामान्य शिक्षा विभाग का हो, सभी की अपडेट जो है आपको यहाँ पर दी जाती है। इसके अलावा राजस्थान की जितनी भी वैकेंसीज है उन सभी की भी अपडेट यहाँ पर दी जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये जो वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। साथ ही दोस्तों, अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ।